बेटी आज जो मैं वीडियो शेयर करूंगी वो है आप अपने ब्रशेस और पफ को कैसे क्लीन रख सकते हैं। क्लीन रखने से आपका हाइजीन भी मेंटेन रहेगा और आपके मुंह पे कोई भी पिंपल नहीं आएगा। इसके लिए आपको चाहिए वार्म वाटर, मैंने 2 मग वार्म वाटर लिया हूँ। उसके बाद आपको लेना है ब्रश पफ क्लीनर, है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो लिक्विड डिश वॉशर है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। बार बार मैं बोल रही हूँ कि लिक्विड डिश वॉशर ही आपको लेनी है, कोई भी डिटर्जेंट मत लेना, उससे आपका जो भी पफ है ना वो हार्ड बन जाएगा। तो लिक्विड डिश वॉशर आप उतना ही लीजिए जितने में आपका ये फोम क्रिएट हो जाए। देखिए फोम क्रिएट हो गया है। अब मैं जो करूँगी, ये जो डार्टी ब्रशेस है, इस डार्टी ब्रशेस को इस फोम वाले पानी में भिगा के रख दूँगी। मैं 10 से 15 मिनट तक भिगा के रखूँगी। तो मेरा इधर 10 मिनट हो चुका है पूरा, तो अब देख लेते हैं क्या हाल है मेरे पाव का। ये देखिए फूल के आ गया है जो भी मैल है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे थंब से इसको बहुत अच्छे से स्क्रब करूँगी। आपके पास अगर ये स्क्रब करने जैसा कुछ है, मेकअप ब्रशेस को स्क्रब करने जैसा, ये बर्तन नहीं है ठीक है, बर्तन स्क्रब मत कर देना, तो उससे आप स्क्रब कर सकते हैं और मेरे जैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रबर नहीं है तो हाथ पे ही आपके थाम को काम लगा के अच्छी तरह स्क्रब कीजिए। पाफ को बहुत अच्छे से स्क्रब कीजिए, ब्रशेस को बहुत अच्छे से स्क्रब कीजिए। जो ब्रशेस होते हैं ना उस पर बहुत मैल लगा रहते हैं, उसको थोड़ा सा आप स्क्रब ज़्यादा अच्छे तरह से करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह करेंगे तो आपके हथेले पे ही आपके देखेंगे कि बहुत मैल उठ के आ गई है। देख सकते हैं आप कैसे आ रही है, ये सिर्फ हो रही है कि ये मैल फूल के आ गई है। तो ठीक है, ये पूरा क्लीन करने के बाद जो मैं करूँगी वो है, एक बाल्टी में मैं नॉर्मल वाटर लूँगी और इसको धो लूँगी। धोने के बाद मैं इसको मेरे रूम पे ही टीशू के ऊपर सुखाने के लिए रखने के दिया था। आप अगर खुली छत पे या खुली जगह पे सुखाने के लिए रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये कोई नेट की कपड़े पे आप इसको जड़ा के दे रही है ताकि इस पर कोई डांट ना आए। तो ये था मेरा आज का हाइजीन मेंटेन वाला वीडियो, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए। मेकअप ब्रशेस को क्लीन रखिए ताकि आपके फेस पे कोई भी पिंपल ना आए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में, तब तक स्टे ब्यूटीफुल स्टे ग्लैमरस विथ रोजी स्किन केयर द नेम ऑफ ट्रूथ। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए। मुलाकात होगी दूसरे वीडियो।